हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चौहान युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस यानी 26 अगस्त 2021 के जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है? तो गेस कीजिए कौन सा आंसर होगा उसका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या फिर नाम। तो आपने सही गेस किया, इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। आपको पता है अभी अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहाँ से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के जटिल मिशन का जो नाम है उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रख दिया गया है। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गेस कीजिए कहाँ मनाया गया है, असम, राजस्थान, ओडिशा या फिर नाम। तो इसका आंसर होगा असम। यानी आपको पता है जो असम में तिवा आदिवासी जो होते हैं वो असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेते हैं और ये पारंपरिक तरीके से इसको मनाते हैं यानी डांस करते हैं। और इस उत्सव की प्रशंसा तिवा आदिवासी द्वारा अपनी अच्छी फसल के लिए ये वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तिवा आदिवासी जो है वो अपनी अच्छी फसल के लिए इस वांचुआ महोत्सव को मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, ये मनाते हैं असम में। तो अब असम की बात आइए तो ये मैप में असम, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, और इसके गवर्नमेंट कौन है, जगदीश मुखी, और इसके सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा इसके सीएम है। हम चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल या फिर नन। तो आपको पता होगा इसका आंसर होगा अनुप्रिया पटेल। यानी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार भारत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में ओशियन को 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने की संभावना है। यह है अनुप्रिया पटेल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सिन लोक का निधन हुआ है, वे कौन थे? गेस कीजिए वे कौन थे, लेखक थे, कॉमेडियन थे या फिर गायक थे या ना। तो आपने गेस किया, इसका आंसर होगा कॉमेडियन। ये कॉमेडियन थे, यानी ये कॉमेडियन भारत के नहीं थे, ब्रिटिश कॉमेडियन थे। यानी ब्रिटिश कॉमेडियन सिन लोक का निधन हो गया है। वह ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे, यानी जो सीन लेक थे वो ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। और वर्ष 2000 में सीन लोक ने सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टैंड अप प्रदर्शन यानी बेस्ट लाइव स्टैंड अप परफॉर्मेंस के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड गोंग जीता था। क्या जीता था, ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड गोंग। ये है हमारे सीन लोक, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हमें बातें ये EIU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो अब आप गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कोपेनहेगन। यानी EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। किसको, कोपेनहेगन को। किसकी राजधानी है ये, राजधानी है डेनमार्क की। इसको 60 वैश्विक शहरों में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। अब बात आई यहाँ पे डेनमार्क की, तो यह है डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी है डेनिश क्रोन। इसकी करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। और इसके प्राइम मिनिस्टर, कौन है इसके, मेटे फेडरिकसन। कौन है प्राइम मिनिस्टर, मेटे फेडरिकसन। हम चलते हैं अगले सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? गेस कीजिए भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, यह बनाया गया है टेकचंद को। यानी पहले थंगावेलु मरियप्पन उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे।
कौन थे? थंगावेलु मरियप्पन। और अब भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले कौन बन गए हैं? ध्वज फहराने वाले टेकचंद। और थेंगावेलु मरियप्पन ये रिटायर हो गए क्योंकि ये कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद इनकी जगह अब कौन है? टेकचंद। ये भारत के पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनेंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेवन क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, टोक्यो, पेरिस, दुबई या फिर नूम? तो इसका आंसर होगा दुबई। आपको पता है दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, और वहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलने जा रहा है। अब आपको पता होगा ऑब्जर्वेशन व्हील क्या होता है, ये जो पहिए जैसा है गोल गोल, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन व्हील। ये दुबई में खुलने जा रहा है, ये 38 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन वाले इतना बड़ा है, जो पहिए जैसा है, ये 38 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी द्वीप पर स्थित है? ये दुबई में जो एक ब्लू वाटर्स नामक द्वीप है वहां पर ये स्थित है, ब्लू वाटर्स नामक जो द्वीप है वहीं पर ये स्थित है, ऑब्जर्वेशन वही। हम चलते हैं अपने अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रिंसिपल सिंह। एंड जो प्रिंसिपल सिंह है NBA खिताब जीतने वाले, NBA का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, कौन? प्रिंसिपल सिंह, ये हमारे प्रिंसिपल सिंह हैं। ये NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 9th क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी इंडिया दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश है। और यह जानकारी आज जर्मन वोज द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सामने आई है। और इस इंडेक्स के मुताबिक 2019 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं के चलते भारत में 2267 लोगों की जान गई है। हम चलते हैं हमारे अगले 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश को IMF से 2.75 बिलियन डॉलर की मदद प्राप्त हुई है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ना? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान क्या केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अब यहाँ आया IMF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.75 मिलियन डॉलर की मदद प्राप्त हुई है, किसको? पाकिस्तान को। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उससे पहले पाकिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये है मैप में पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है क्या है, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, और इसकी करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। अब जो क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? हेलिमा रिच, केथी होचुल, एस्टना वॉच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।